पांच साल से आम आदमी सरकार पावर पर है, पांच साल से उसने पोल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया और पोल्यूशन के बहाने मजदूरों को भूखा मार रही है। ये कहां का इंसाफ है? मजदूरों को क्यों मारा जा रहा है? गलती आप ही, पॉलिसी आप ही बनाओ, इंप्लीमेंट आप ही करो और मारो मजदूरों को। ये कहां का इंसाफ है? पेट पर लात मार रखे हैं, इसके लिए दो महीना से मार रखे मजदूरों के पेट पर लात, इसलिए मजदूर आज के आज एकता में 40 करोड़ मजदूरों भूखे मर रहा है दिल्ली के अंदर में, उसको शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? एक एक मजदूरों कमाने वाला चाहिए पता है क्या? उसको शर्म नाम की चीज नहीं है मजदूरों के भूखे मारने पर? पांच साल से आम आदमी सरकार पावर पर है, पांच साल से उसने पोल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया और पोल्यूशन के बहाने मजदूरों को भूखा मार रही है। ये कहां का इंसाफ है? मजदूरों को क्यों मारा जा रहा है? गलती आप ही, पॉलिसी आप ही बनाओ, इंप्लीमेंट आप ही करो और मारो मजदूरों को। ये कहां का इंसाफ है? हम यहां पर इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, दिल्ली सरकार रहम करो, इन मजदूरों पर रहम करो जो दो महीने से बेकार है। इनका क्या कसूर है? गलती आप लोगों की, इम्प्लीमेंट आप नहीं करते और मर मजदूर रहा है। हम इसीलिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। ये मजदूर किन किन क्षेत्रों से आए हैं और क्या काम करते हैं? ये सब लेबर है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, पूरे देश से आई हुई है, पूरे देश से सब लोग यहाँ पर हम किसी ट्रेड यूनियन से नहीं है, हम समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर के बैनर के नीचे हम ये एजिटेशन कर रहे हैं। हम सभी का मान है कि मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है, दो महीना हो चुका है, दो महीने से डेट सरकार बढ़ाई जा रही है, घर में रोटी नहीं है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे, फीस नहीं देता है स्कूल का, मास्टर बोलता है कि हमें पैसे भी स्कूल से निकाल देंगे, मकान मालिक बोलता है दो महीने किराया दो, किराया नहीं दोगे तो नहीं हो जाएगा। बताइए मजदूर आदमी क्या करेगा? काम नहीं है, दो महीने से बैठे हुए हैं, सारा काम धंधा बंद कर रखा है, मकान सामान बाहर फेंक रहे हैं रोड पे, बाहर फेंक रहे हैं सामान, काम को खोल दिया जाए दो महीने से, यही हम चाहते हैं। मजदूर है निर्माण क्षेत्र में, ऐसे आप हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए और आपकी आवाज से क्या केजरीवाल सुन लेगा? सुनना पड़ेगा उसको, हम यहाँ पर 40-50 लाख लोगों के लिए खड़े हुए करेंगे और भी इकट्ठा करेंगे हम कल को, अगर नहीं सुन दिया गया हमारी बातों को। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।